उज्जैन में बढ़ी है और आसपास के शहर में प्रदेश में भी ये बढ़ोतरी मिली है, लेकिन हमारा उज्जैन जो है वो जिस तरीके से पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गया था वैसी ही स्थिति आगे रहे, इसके लिए आज सभी जितने भी SDM हैं, तहसीलदार हैं, CSPs हैं, सभी की SP साहब के साथ में मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है और सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी आवश्यक चीज़ें हैं, जो आवश्यक कदम हैं इसको कंट्रोल करने के लिए तत्काल उठाए जाएँ। खासतौर पर कल से मास्क ना पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पर हम लोग बहुत एग्रेसिव ढंग से कार्रवाई करने वाले हैं, बहुत कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। हम लोग हज़ारों की संख्या में अगर हमको चालान बनाने पड़े या अलग अन्य कार्रवाइयाँ करनी पड़ी तो हम लोग उससे पीछे नहीं हटेंगे। सर्वे के काम को हम लोग थोड़ा अपना और मजबूत बनाएंगे जिससे कि जो भी व्यक्ति हैं पॉजिटिव वो पहले हमारी सर्वे की टीम से ही ट्रेस हो जाए जिससे कि उनका जो एक दो दिन डिले हो जाता है वो डिले ना हो। तो कुल मिला के वापस जो कोरोना की एक तरीके से दस्तक फिर से हो रही है जिसके संकेत मिल रहे हैं, हम लोग आगामी 3-4 दिनों में मेहनत करके इसको वापस कंट्रोल करने की स्थिति में आ जाए, इसलिए इस मीटिंग का। सर देखने में आ रहा है कि दिल्ली और इंदौर से अधिकतर दर्शनार्थी आ रहे हैं, क्या संक्रमण की संख्या बढ़ नहीं सकती? देखिए हमने चूंकि केवल 2 दिन का ही प्रावधान रखा है फॉरवर्ड बुकिंग का, जो अग्रिम बुकिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा दूर से तो लोगों के आने की संभावना नहीं है, लेकिन चूंकि राज्य की सीमाओं को हम लोग एक तरीके से सील नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आवाजाही अपने को रखनी पड़ेगी। मंदिर में हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग ढंग से करा लेते हैं, वहाँ की उतनी चिंता नहीं है। मुख्य चिंता जो खासतौर पर व्यापारिक जगहों की है, लोग मॉर्निंग वॉक जहाँ पे करने जाते हैं, यहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है, वहाँ की चिंता ज़्यादा है, जिस पर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। 700 लगभग हुआ है।